नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप लोन लेने जाते हैं तो जो बैंक मार्जिन मनी के बारे में आपसे पूछता है, तो ये मार्जिन मनी क्या है और हर लोन में ये अलग अलग मार्जिन मनी कैसे होगी, वो एक मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि जब भी आप कोई लोन लेने जाते हैं किसी भी पर्पस के लिए, घर खरीदने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए, तो बैंक आपको सारी कॉस्ट नहीं देता, उसमें से कुछ 10 या 20% कॉस्ट आपको लानी होती है, उसको मार्जिन मनी कहा जाता है। मैं एग्जांपल जैसे मान के चलिए आप 10 लाख की कार ले रहे हैं, तो बैंक ये कहेगा कि 8 लाख, 8.5 लाख तक का फाइनेंस हम कर देंगे और 1.5-2 लाख रुपए आपको खुद को अपनी जेब से देने होंगे। चाहे कोई सा भी लोन हो, बैंक का कार लोन हो, चाहे मशीनरी लोन हो, चाहे होम लोन हो, सब लोनों में कुछ ना कुछ मार्जिन मनी बैंक आप चाहती है कि वो आप दें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार लोन की। मान के चलिए आप शोरूम में गए और आपको 10 लाख की कार खरीदनी है जिसकी ऑन रोड प्राइस 10 लाख है, तो बैंक क्या करता है, 10-15% मार्जिन रखता है। बैंक कहता है कि मान के चलिए बैंक ने अगर 8 लाख का आपको लोन दिया, तो बैंक ये कहता है कि 2 लाख रुपए अब आप देंगे, या तो 2 लाख रुपए आप डायरेक्टली डीलर को दें, या 2 लाख रुपए आप बैंक में डिपॉजिट करें ताकि बैंक 10 लाख का डिमांड ड्राफ्ट या NEFT उस कार डीलर को दे देगा जहां से भी आप कार खरीद रहे हैं। अब बात आती है एजुकेशन लोन की। देखिए, कई बार कई स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि मार्जिन मनी क्या होती है, क्या हमें देना होगा। अब मान के चलिए आपकी 1 साल की फीस 10 लाख रुपए है, तो बैंक क्या करेगा कि आपको अगर यदि मार्जिन मनी उन्होंने 20% रखी, तो बैंक 8 लाख रुपए की फीस बैंक पे करेगा और 2 लाख रुपए की फीस आपको पे करनी पड़ेगी। तो होता क्या है कि मान के चलिए अगर आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे तो बैंक कहेगा 2 लाख रुपए आप डिपॉजिट करें, 8 लाख रुपए का टोटल मिला के हम 10 लाख का डिमांड ड्राफ्ट आपके कॉलेज के नाम देंगे। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है। अब मुद्रा लोन में बात करते हैं। मान के चलिए आप कोई प्लांट सेटअप कर रहे हैं जिसकी मशीनरी की कॉस्ट 10 लाख रुपए है, तो और उसमें भी अगर बैंक ने आपको 20% मार्जिन पूछा है, तो इसका ये मतलब हो गया कि 8 लाख रुपए तो बैंक देगी और 2 लाख रुपए आपको खुद को अपना फंड अरेंज करना होगा। फिर ये दोनों फंड मिला के बैंक 10 लाख का डिमांड ड्राफ्ट इश्यू कर देगा जहां से भी आप मशीन परचेज कर रहे हैं उस सेलर के नाम से। अब बात करते हैं होम लोन की। होम लोन में मान के चलिए आप 10 लाख का कोई घर खरीद रहे हैं, तो बैंक ने कहा कि हम 80% फाइनेंस करेंगे, 20% आपको खुद को अरेंज करना है मार्जिन मनी के तौर पर। तो क्या होगा कि 2 लाख रुपए आप खुद अरेंज करेंगे और 8 लाख रुपए बैंक देगा, तो टोटल मिला के 10 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट देने के बाद आपके घर की रजिस्ट्री आपके नाम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि मैंने मार्जिन मनी को लेकर काफ़ी सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।